इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जॉब कार्ड में लेबर चार्ज का स्टेटस अगर पाउज्ड हो जाए तो उसको कंप्लीट कैसे करें। तो सबसे पहले हम वर्कशॉप में जॉब कार्ड के अंदर जाएंगे। यहाँ मैं रिफ्रेश करके कोई एक जॉब कार्ड चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये रहा हमारा शिवशंकर कस्टमर जो है, इनका थर्ड फ्री सर्विस है। मैं इनका जॉब कार्ड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम पार्ट्स एंड लेबर के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड सर्विस का जो लेबर चार्ज है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले चुका है। स्टेटस देखेंगे आप ब्लैंक है। पहले मैं स्टेटस को पाउज कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये स्टेटस पाउज कैसे होता है। तो पाउज मैं ऐसे करता हूँ। पाउज करने के बाद यहाँ पे अगर आप बाई मिस्टेक पाउज यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से अगर रिमार्क्स में डाल देते हैं, कुछ भी सेलेक्ट करके अगर रिमार्क्स डाल करके आपने सेव कर दिया तो ये आपका स्टेटस पाउज हो जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर आप चाहेंगे कि इस स्टेटस को मैं कंप्लीट करूं तो ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। करके यहाँ पे देखेंगे लाइन इज नॉट एडिटेबल, द स्टेटस इज पाउज्ड। तो इसे कंप्लीट कैसे करेंगे? तो इसे कंप्लीट करने का बस इजी मेथड है। आपको करना कुछ नहीं है, जनरल में जाएंगे। जनरल में जाएंगे, इनका जॉब टाइप थर्ड पार्टी सर्विस है। पहले मैं इन्हें पेड सर्विस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेड सर्विस में सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं आपको दिखाऊं सेव जैसे ही किया मैंने। यहाँ पे पार्ट्स एंड लेबर में आते हैं तो यहाँ से लेबर चार्ज हट गया है। अब हम क्या करेंगे, वापस जनरल में जाएंगे और यहाँ से हम वापस थर्ड फ्री सर्विस को सेलेक्ट करेंगे। और थर्ड फ्री सर्विस सेलेक्ट करने के बाद हम इसे वापस कर देंगे सेव। यहाँ पे मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। जैसे सेव करेंगे यहाँ पे हम पार्ट्स एंड लेबर में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड फ्री सर्विस का जो लेबर चार्ज था ऑटोमेटिकली आ गया और जो स्टेटस था लेबर का ये ब्लैंक हो चुका है। अब आप चाहेंगे तो यहाँ से कंप्लीट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। जैसे ये सेव कर देंगे ये आपका सेव हो जाएगा और जो पाउच था आपका स्टेटस वो फिर से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।